मोदी बढ़ा के देखा हर चीज, मोदी के टाइम धब्बा है धब्बा और कुछ नहीं है बस। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, सिलेंडर महंगा किया और क्या महंगा किया, राशन आधा देने लग गए, 5 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे सरकारी स्कूल में। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, वहीं जहाँ पे एक तरफ सरकार रेलवे बैंकिंग इसरो को प्राइवेटाइजेशन के तरफ धकेल रहा है, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पे आज महिला आई है और प्रदर्शन कर रही है कि इनको 50% आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू। क्यों आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे? क्योंकि लड़कियों का समस्या कम है यहाँ पर, जिसका हल निकालने के लिए आए, जो प्रॉब्लम होता है उसका हल निकालने के लिए हम यहाँ पे आए, उसको हल निकल सके यहाँ पर। किस तरह का हल? बच्चे का ना, छोटे बच्चे 5 साल के बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे सरकारी स्कूल में। क्यों नहीं ले रहा? सरकारी स्कूल तो फ्री है। पता नहीं, वो मना कर रही है मैडम कि नहीं होगा, जाओ कहीं और, जाओ कहीं और एडमिशन करवाओ। अरविंद केजरीवाल तो कहती है कि मैं फ्री कर दिया हूँ। वहीं तो गए थे तो उन्होंने करवाया नहीं, तो हम फिर दोबारा आ गए। आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया? 2 साल से भटक रहे हैं, हमें पता नहीं है इसलिए हमें। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए ना कि स्कूल में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। हमने बोला था मैडम को ही, बोला सर सबको ही बोला, तो सर ने बोला कि चलो हम करवा देंगे, पर वो क्या कहते हैं, कह रहे कि नहीं तुम जा। हम फिर गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप तुम्हारा लड़के का नहीं, 2 बार गई थी मैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आई है? के चक्कर में आई हूँ। महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, आरक्षण लेकर के क्या करेगी आप तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी मतलब उम्र ज्यादा हो गई है, तो आरक्षण लेने से क्या फायदा होगा आपको? सब कुछ तो स्कूल का सब कुछ सही है, बाकी तो बस बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। और सब्जी इतना महंगा हो गया, चीनी इतना महंगा हो गया, उसका हल तो निकलना चाहिए ना, उसके इतना महंगा क्यों हो गया? हल निकालने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर के प्रदर्शन करने से हल निकल जाएगा? क्यों नहीं निकलेगा, बोलेंगे तो हल निकलेगा, सबसे आगे बोल तो हल निकल जाएगा ना, सब कुछ बोलेंगे। मोदी सर, ये मोदी बढ़ा के देखा हर चीज, मोदी के टाइम धब्बा है धब्बा और कुछ नहीं है बस। धब्बा भाई कैसे, राम मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र बन रहा है तो धब्बा है? और धब्बा है, कहने वाली बात धब्बा है, वो जो योगी नहीं करते, मोदी कुछ नहीं कर रहा, बस मोदी सब कुछ आगे कर रहा है। योगी कर रहा है, मोदी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मोदी? नहीं कर रहे मोदी, क्या करते हैं मोदी बता दो। अभी तो कह रहा हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कुछ नहीं किया मोदी ने, मोदी से ऐसी बोल दिया है, मोदी कुछ नहीं किया, मोदी ऐसी नाम का धब्बा है उसपे, सब बोलता है उसको, कुछ नहीं किया। योगी बहुत कुछ कर दिया है वो। हमारा क्या किया योगी? तीन चार काम बताइए योगी जी का। स्कूल रोड बना दिया है, स्कूल ढंग से कर दिया है, स्कूल बच्चा एडमिशन करवा दिया, हर चीज करवा दिया है। वो भी तो बीजेपी का ही कार्य करता है वो है। जी मैडम कह रही है दिल्ली में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है स्कूल में। हाँ तो 1 महीना से नहीं हुआ था, तब बोला आई साल भर तो छोड़ी घूमे लगी। आइए और महिलाओं से जानती है, क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम हिना है। बताइए क्यों आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर? हम लेके आए, हमें कह रहा है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए, क्या आपको लग रहा है आरक्षण? महिलाओं का सम्मान कैसे होता है, मतलब जोश कैसे बढ़ाया जाता है, मतलब बताया गया। मोदी जी पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? है, बट मुझे ज्यादा से केजरीवाल पे, मुझे ज्यादा भरोसा केजरीवाल पे। केजरीवाल पे जी। ये मैडम कह रही थी कि दिल्ली में केजरीवाल का सरकार है, बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, आप कह रहे केजरीवाल पे हो रहा है? मेरे स्कूल, मेरा भी स्कूल सरकारी है। नहीं इसका एडमिशन हो रहा है, इसके बच्चों का एडमिशन हो रहा है, अब वो नहीं पता। आगे आइए यहाँ पाइए ना। हाँ बोलिए बोलिए। ये कह रहा है हमें केजरीवाल जी पसंद है, दिल्ली में केजरीवाल का ही सरकार है। केजरीवाल का सरकार है ना, पर ना वो जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि 5 साल से जिसके बच्चे का ज्यादा उम्र है ना, 5.5 साल तक के बच्चे का एडमिशन हमारा नाम। कितने साल तक बच्चे का एडमिशन होगा फिर, आपने पूछा नहीं? पूछा था तो वो कह रहे कि 3.5 साल 4 साल तक का। क्यों 5 साल के बच्चे कहाँ जाएंगे? कानूनी मुताबिक तो 5 साल के बच्चे का एडमिशन। ज्यादा पता नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है इसीलिए ये करे, समझ रहे हो, इसीलिए हमें दबा देते हैं, हमें ज्यादा पता नहीं है कोई चीज के बारे में। क्या कह रही है मैडम? क्या कह रही है मैडम बोलिए? एडमिशन नहीं ले रहा। देखिए इनका बच्चा 2 साल से घूम रहा है और एडमिशन नहीं हो रहा दिल्ली के स्कूल में, उसमें जो प्रिंसिपल है हेडमास्टर उसका कहना है कि 5.5 साल को बच्चों का हम एडमिशन नहीं लेते, 3.5 साल के बच्चों का एडमिशन होगा। बताइए कहाँ जाएगा वो बच्चा, कहाँ जाकर के शिक्षा हासिल करेगा? वहीं पे अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल को हमने नंबर 1 बना दिया है और इसमें सरकारी स्कूल में फ्री है शिक्षा, लोग प्राइवेट में ना जाए। तो बताइए 2 साल से भटक रहा है,
कहाँ जाया या और कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा। क्या नाम है आपका? नीलू। क्यों आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे? सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। सिलेंडर महंगा किया और क्या महंगा किया? राशन आधा दिन लग गया। राशन महंगा कर दिया। पहले हमको 50 किलो मिलता था, अब हमको 30 किलो राशन मिलने लग गया। सब चीज में 25 किलो मिलने लगे। वीडियो बनाना। हाँ बोलो। हाँ। तेल भी महंगा किया। तेल तेल भी महंगा कर दिया। राशन महंगा कर दिया। सब चीज महंगी कर दी। और वो क्या बोलते, सिलेंडर महंगा कर दिया। अब तो हमको खाएंगे क्या? हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? कह रहा है कि मोदी जी के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उनका कहना है कि महंगाई नहीं है, अमेरिका में इससे ज्यादा महंगाई है। हाँ, ये बात भी ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं महंगाई है? महंगाई बढ़ रही है, मगर इनकम तो नहीं बढ़ रही ना हमारी। हमारी सैलरी तो उतनी की उतनी है, मगर महंगाई क्यों बढ़ा रहे? अगर महंगाई बढ़ा रहे तो सैलरी भी बढ़ाओ ना। कुछ तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना जनता को। क्या खाएगी, क्या करेगी? पूरा आना चाहिए। क्या कह रही है? मैं ही बोल रही हूँ, जैसे भैया थोड़ा, मैं ही बोल रही हूँ, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हमारी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। लोग बागों की सैलरी इतनी की उतनी है और कम हो रही है और महंगाई। मतलब आपका कहना यह है कि महंगाई बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रहा है। सैलरी भी बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से। कितना सैलरी होना चाहिए, कुछ आइडिया होगा? आधा कर रहे हैं, राशन आधा कर रहे हैं, तो वो बढ़ाओ ना। हाँ। सैलरी उसको भी बढ़ाओ। तो देखिए, इनका कहना है जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे सैलरी भी बढ़ना चाहिए। जनता खुश नहीं है, नाराज है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग नंबर वन इंडिया।